हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स देखेंगे जो भी रिसेंट में न्यूज़ में रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड इंडियाज सेकेंड प्राइवेट रॉकेट? ये है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निबाण सॉर्टेड नाम का एक नया रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट इसके द्वारा डेवलप किया गया है। सॉर्टेड की फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इंडिया का सेकेंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, डेवलप्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस बेस्ड इन चेन्नई तमिलनाडु। और पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था विक्रम एस, इसे स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया था। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर? ये लॉन्च की गई द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं। इंडिया की पहली जीन थेरेपी कैंसर के लिए आईआईटी बॉम्बे में इसे लॉन्च किया गया हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा। ये ट्रीटमेंट का नाम है कार टी सेल थेरेपी। इट मॉडिफाई पेशेंट्स ओन टी सेल विच रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल्स। अब क्या होता है ना, हमारे लिम्फोसाइट में दो तरह के सेल होते हैं, एक टी सेल होता है और एक बी सेल होता है। बी सेल प्रोटीन्स बनाता है जो जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। टी सेल्स भी पैथोजन से फाइट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। किस तरह से? कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल पहुंचाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को कोई थ्रेट है, फिर उससे बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, कैंसर की जीन थेरेपी जो है ये, इसमें क्या होता है, ये टी सेल है इसको निकाला जाता है व्यक्ति की बॉडी से। मतलब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कैंसर है तो उसी की बॉडी से टी सेल निकाला जाएगा। इन सेल्स को लैब में जेनेटिकली ऑल्टर किया जाएगा और उसके बाद उसी व्यक्ति के शरीर में वापस इसको डाल दिया जाएगा ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचाने और उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSST कैमरा इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? इनको चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रूबीन ऑब्जर्वेटरी LSST, यानी कि लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप कैमरा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है और इसे चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिनजाइटिस वैक्सीन? ये कंट्री है नाइजीरिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नई वैक्सीन का नाम क्या है? MEN-5CV। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है, प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट 5 strains ऑफ मेनिनकोकस बैक्टीरिया। मेनिनजाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, और इसके लिए पहली बार वैक्सीन बनाई गई है नाइजीरिया के द्वारा। विच कंपनी लॉन्च्ड TSAT-1A सैटेलाइट रिसेंटली? इसे TASL के द्वारा लॉन्च किया गया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। TSAT-1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट विल डिलीवर हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिस्टो इज अ मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? ये है जुपिटर का एक मून। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन ऑन सेलेस्टो। ठीक है, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। ये एक पेल ब्लू गैस होती है। FEE-3 Mini एन AI मॉडल रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच कंपनी? इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, स्मॉलेस्ट AI मॉडल है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अंगारा A5 रॉकेट? इसे लॉन्च किया है रशिया ने, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रिसेंटली विच कंट्रीज फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड? इसका आंसर होगा साउथ कोरिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। साउथ कोरिया सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सुपर हीटिंग अ प्लाज्मा लूप 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड। टोकामेक रिएक्टर टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर इसको यूज़ किया गया है, विच यूजेज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन प्लाज्मा इन द डोनट शेप। और इसको नाम क्या दिया गया, टोरस, इस तरह कुछ दिख रहा है ना। साउथ कोरिया के द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री? तो फिलीपींस को इंडिया के द्वारा पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर किया गया है। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड सभी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया और रशिया का दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। मैन्युफैक्चरर है इसका ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, और इंडिया और फिलीपींस के बीच इसके लिए डील हुई है $375 मिलियन की ऑन ब्रह्मोस मिसाइल्स। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू हाई यील्डिंग वीट सीड वैरायटी नेम्ड HD3386? गेहूं के बीज की ये वैरायटी है जिसका नाम है HD3386, और इसे इंट्रोड्यूस किया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि HD3386 कौन सी फसल की वैरायटी है, तो ये भी याद रखिएगा, वीट सीड वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ये क्या है, न्यू कोविड-19 वेरिएंट है। ठीक है, जो इमर्ज हुई है USA में।
मतलब कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, नए नए वेरिएंट इसके अभी भी सामने आ रहे हैं। इसरो इज़ डेवलपिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन वर्किंग ऑन अ लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसरो एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर रहा है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन होगा ये। वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका नाम है सिसम। इंडिया का पहला BFSI फोकस्ड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसे फिनटेक कंपनी सेतु के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेस्ट नाइल फीवर वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच कंट्री। इसे युगांडा में डिटेक्ट किया गया और अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली ये केरला में डिटेक्ट हुआ है। वेस्ट नाइल फीवर मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। इसे ये वेस्ट नाइल वायरस के कारण होता है और पहली बार युगांडा में 1937 में इसे डिटेक्ट किया गया था। विच कंट्री अनवील्ड AI पावर्ड डिजिटल स्पोक्स पर्सन नेम्ड विक्टोरिया शी फॉर फॉरन मिनिस्ट्री। फॉरन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन एक AI को बनाया गया है। इसका नाम है विक्टोरिया शी और यह यूक्रेन के द्वारा किया गया है। विच IIT अनवील्ड इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। इसे अनवील किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा। दिस इनिशिएटिव एम टू एनहांस वोटर अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट। ZSI named a newly discovered head shield sea slug after whom? ZSI क्या है? Zoological Survey of India। इसके द्वारा एक newly discovered head shield sea slug, समुद्री स्लग जो होता है उसका नाम रखा गया है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। नाम क्या रखा गया है? मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट पर इसे खोजा गया है Zoological Survey of India के द्वारा। Who has inaugurated India's first indigenous fast breeder reactor? इसे PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है। इंडिया का पहला है इंडिजिनसली बनाया गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पक्कम तमिलनाडु। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या? ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स। भारत का पहला बनाया गया है तमिलनाडु में। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट और यूटी। नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उनके द्वारा इसे अनाउंस किया गया। 80 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। रिसेंटली रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ न्यू स्कॉर्पियन स्पीशीज विद 8 eyes एंड 8 legs इन विच कंट्री। इस एक नई स्कॉर्पियन स्पीशीज को थाईलैंड से खोजा गया है। इस स्कॉर्पियन स्पीशीज के 8 पैर और 8 आँखें हैं। थाईलैंड के क्रेन क्रचान नेशनल पार्क से इसे डिस्कवर किया गया है। इसका नाम रखा है यू स्कॉर्पियोस क्रचान। विच कंट्री डिड द फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट इन अ ह्यूमन। ये पहली बार USA के द्वारा किया गया है पिग की किडनी को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट। विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट। इसको केरला में इंट्रोड्यूस किया गया है। नाम है इसका आयरिस। इंडिया का पहला AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक। इसे BHU के द्वारा लॉन्च किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। DNA विल बी एक्सट्रैक्टेड बाई ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन फ्रॉम ब्लड सलाइवा एट्सेट्रा। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड iOncology.ai प्लेटफॉर्म। इसे एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। iOncology.ai आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जो होता है उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। एम्स दिल्ली एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC पुणे के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इंडिया अप्रूव्ड 19,000 करोड़ डील फॉर हाउ मेनी ब्रह्मोस मिसाइल्स फॉर नेवी। नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत के द्वारा खरीदी जा रही हैं 19,000 करोड़ की डील के साथ। और कितनी ये ब्रह्मोस मिसाइल नेवी के लिए खरीदी जाएंगी? 200। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। इंडिया 200 ब्रह्मोस मिसाइल को अक्वायर करेगा। एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर इंडियन नेवी। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है और इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। विच कंपनी अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट ISCC+ सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन रिलायंस को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ केमिकल रिसाइकलिंग फॉर सर्कुलर पॉलीमर्स।
इसे इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन या फिर ISCC+ सर्टिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि रिलायंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है दैट टर्न्स प्लास्टिक वेस्ट इंटू पायरोलिसिस ऑयल, विच IIT डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड 155 mm स्मार्ट एम्यूनिशन। यह IIT मद्रास, ऑप्शन ए सही होगा। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसे IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एडवांसमेंट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। विच यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके ह्यूमन ट्रायल को इनिशिएट किया गया, पहला ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन। वैक्सीन का नाम क्या है? CHAD OX1 निपा बी वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ फॉर SKAO प्रोजेक्ट, भारत के लिए 1250 करोड़ रुपये इसके लिए अप्रूव किए गए हैं। SKAO क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इसको बनाया जा रहा है। इंडिया इसका फुल मेंबर बना है और इंडिया के द्वारा 1250 करोड़ रुपये की फंडिंग इस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको याद रखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म, इसका नाम है भारत GPT। इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है, इसे CoRover.AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम है टू ट्रांसफॉर्म AI डायलॉग्स अक्रॉस 22 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन, ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट, इसे टाइम टूथ के द्वारा डेवलप किया गया है। बेंगलुरु बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है टाइम टूथ, इसने इंडिया का पहला सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट बनाया है और विंग्स इंडिया 2024 में इसे अनवील किया गया था। इंडियन नेवी टू एस्टेब्लिश सेकेंड VLF यानी कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट, इंडियन नेवी के द्वारा इसे तेलंगाना में एस्टेब्लिश किया गया, विकराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना का, वहाँ पर। दिस स्टेशन विल हेल्प टू मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद शिप्स एंड सबमरीन्स। हु डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, इसे नित्या आनंद के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नित्या आनंद की डेथ हो गई है, शी पास्ड अवे। सहेली नाम से इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर बर्थ कंट्रोल पिल इनके द्वारा डिस्कवर की गई थी। इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, इसे उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है, ऋषिकेश में उत्तराखंड में। 50 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली इसके द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। इसे THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। दृष्टि 10 UAV यानी कि अनमैंड एरियल व्हीकल हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑप्शन सी करेक्ट है। दृष्टि 10 ये एक इंडियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डेवलप किया है। हु इंट्रोड्यूस्ड उग्राम असॉल्ट राइफल फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए ये असॉल्ट राइफल्स DRDO के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं। 7.62x51mm असॉल्ट राइफल्स हैं जिनकी रेंज 500 मीटर है। उग्राम इसका नाम है, DRDO के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। विच कंपनी लॉन्च्ड जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अब AI की बात हुई है तो यहाँ कुछ और चीज़ें रिवाइज करते हैं। लेक्सी क्या है? इंडिया का पहला ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट है। गूगल का AI चैटबॉट है, नाम है इसका बार्ड। बार्ड का नाम ही अब चेंज करके जेमिनी कर दिया गया है। गूगल का मोस्ट पावरफुल AI चैटबॉट है ये। माइक्रोसॉफ्ट बैग्ड AI चैटबॉट का नाम है ChatGPT, इसे OpenAI ने डेवलप किया है। AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी, इसे पुणे में इंस्टॉल किया गया है। एरावत नाम के AI सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल्ड एट CDAC पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फिर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात हुई है तो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जो जारी की जाती है, इसमें वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स को शामिल किया जाता है। 61st एडिशन रिसेंटली इसका जारी किया गया है और इसमें नंबर 1 पर फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर है जो कि USA का सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का एरावत भी इसमें शामिल है जिसकी रैंक है 75th, और अभी बहुत रिसेंटली की जो लिस्ट है उसमें ये 90th नंबर पर आ गया है एरावत, और इसी एरावत सुपर कंप्यूटर को पुणे में इंस्टॉल किया गया है। फिर यहाँ देखें परम
कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। इसे आईआईटी गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। परम शक्ति को इंस्टॉल किया गया आईआईटी खड़गपुर में। वेस्ट बंगाल में परम प्रवेगा आईआईएससी बेंगलुरु में इंस्टॉल हुआ। परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में इंस्टॉल किया गया और परम पोरुल एनआईटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इंस्टॉल किया गया है। विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड भार ओएस इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हम एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं या फिर आईओएस को यूज़ करते हैं आईफोन के लिए, उसी तरह का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जैसे एंड्रॉयड चाहिए होता है ना नॉर्मल स्मार्टफोन्स में, उसी तरह से इंडिया का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया भार ओएस। आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है। भार ओएस कम्स विद नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स। मतलब कोई भी, जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं तो कुछ ऐप्स उसमें डिफ़ॉल्ट होती हैं जो मोबाइल में ऑलरेडी होती हैं, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती हैं। लेकिन भार ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं होती हैं। जिन ऐप्स की ज़रूरत है उन्हीं को इंस्टॉल करें, बेकार में जो ऐप्स पड़ी रहती हैं जिनको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, ऐसी डिफ़ॉल्ट ऐप्स इसमें नहीं होंगी।